dear students today in this lecture i will let you to know about some important concepts of gdp such as nominal gdp real gdp and gdp deflator gdp it is full form is gross domestic product which is equal to money value or market value of all final goods and services which have been produced within a domestic territory during एंड अकाउंटिंग ईयर पहले हम नॉमिनल जी के बारे में सीखेंगे नॉमिनल जी क्या होता है नॉमिनल जी डी पी नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट इज जी डी पी एट करंट प्राइसिस वैल्यू ऑफ जी डी पी एट करंट प्राइसिस नॉमिनल जी डी पी इज GDP एट करेंट प्राइसेस जो लेटेस्ट ईयर होगा जो न्यू ईयर होगा उसमें जो प्राइस लेवल होगा और उस प्राइस लेवल पे हम जब वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस कैलकुलेट करते हैं जिसको हम जीडीपी कहते हैं तो हम उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, डी At current prices. Nominal GDP is equal to P multiplied by Q. What P is current price of current price of all final goods and services this may have final goods and services later and q is level of output or we can say quantity of goods and services produced within a domestic territory during an accounting year quantity of goods and सर्विसेस एक और इक्वेशन है नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय हंड्रेड नॉर्मिल जी डी पी कैलकुलेट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला है वो ये है कि इट इज इक्वल टू रियल जी डी पी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाई हंड्रेड यहां पर दो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं एक तो रियल जी डी पी दूसरा प्राइस इंडेक्स रियल जी डी पी में इसी लेक्चर में आपको बढ़ाऊंगा उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज प्राइस इंडेक्स प्राइस इंडेक्स प्राइस इंडेक्स इट इज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाई बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड बेस एयर प्राइस और कॉन्स्टेंट प्राइस बेस एयर प्राइसटेंट प्राइस भी कहते हैं प्राइस इंडेक्स विल बी इक्वल टू पी वन डिवाइड बाय पी जीरो पी वन इज करंट एयर प्राइस पी जीरो इज कॉन्स्टेंट प्राइस और बेस एयर प्राइस Multiplied by hundred ratio of current air price divided by base air price or constant price multiplied by hundred. This is the formula for calculating price index. Now what is real GDP? Real GDP, real gross domestic product. It is GDP. At constant prices or at base air prices. Value of GDP at constant prices or base air prices. Real GDP is equal to P multiplied by Q. But here the P is base and price or constant prices. Therefore, in order to make difference between this P, that's P in nominal GDP and P in real GDP, which is price, we make use of sign P asterisk. Where this P asterisk, it is constant price. Or base year price of final goods and services. And Q is level of output or quantity of goods and services produced within domestic territory during an accounting year. रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो ये है रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है रियल जीडीपी इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट कांस्टेंट एट करंट प्राइसेस भी कहते हैं नॉमिनल जीडीपी को हम कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसिस नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स यह फॉर्मूला रियल जीडीपी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहां पर आपको याद रखना होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी डी एंड रियल जीडीपी एक तो यह सिंपल है कि नॉमिनल जीडीपी में हम वैल्यू ऑफ जीडीपी लेते हैं एट करंट प्राइसेस एट लेटेस्ट ईयर प्राइस न्यू ईयर प्राइस और रेल जीडीपी में हम वैल्यू ऑफ जीडीपी लेते हैं एट कॉन्स्टेंट प्राइस और एट बेस ईयर प्राइस और जो मेन डिफरेंस है नॉमिनल जीडीपी और रेल जीडीपी के दरमियान वो ये है कि नॉमिनल जीडीपी में हम प्राइस इफेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं इसमें जो इन्फ्लेशन का असर होता है जीडीपी वैल्यू पे वो हम कंसिडर नहीं करते हैं लेकिन जो रियल जीडीपी है इसमें हम प्राइस इफेक्ट का हम प्राइस इफेक्ट कंसिडर करते हैं ऑन वैल्यू ऑफ जीडीपी इसमें जो इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट होता है जीडीपी पे वो हम कंसिडर करते हैं इनके हिसाब रियल जीडीपी क्योंकि तब हमें मालूम होगा कि रियल आउटपुट क्यों इनक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है क्योंकि कभी कभी जो जी डी पी वैल्यू इंक्रीज होता है ड्यू टू तो इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू तो इन्फ्लेशन और आउटपुट इंक्रीज नहीं होता है लेकिन जब हम रियल जी डी पी कैलकुलेट कर तब हमें मालूम होता है कि जो वैल्यू ऑफ जी डी पी वो इंक्रीज़ हुआ है प्राइस इंक्रीज से या रियल आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है सिंपली हमें मालूम होता है रियल जी डी पी से कि जो रियल आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है अब वी विल डू समल एग्जाम्पोल ऑन नॉमिनल जी डी पी रियल जी डी पी ताकि आपको क्लियर होगा कि नॉमिनल जी डी पी क्या होता है और रियल जी डी पी क्या होता है और आपको ये भी याद रखना होगा कि जो बेस ईयर होता है जो हम प्राइस लेते हैं बेस एयर में वो वो ईयर होता है जो नॉर्मल ईयर होता है जिसमें प्राइस स्टेबल होते हैं सिंपली आपको ये याद रखना कि बेस ईयर वो ईयर होता है जिसमें प्राइस प्राइस प्राइसिस नॉर्मल रहते हैं जिसमें प्राइस स्टेबल रहते हैं और इंडिया में जो बेस ईयर है वो है टू थाउजेंड अलेवन ट इससे पहले जो बेस ईयर था वो था टू थाउजेंड फोर एंड फाइव आपको याद रखना होगा जिसका हम कॉन्स्टेंट प्राइसेस भी कहते हैं जो प्राइसेस हम बेस शेयर में लेते हैं उसको हम कॉन्स्टेंट प्राइसेस भी कहते हैं या बेस शेयर प्राइस और इंडिया का जो बेस शेयर है वो है टू थाउजेंड पहले जो बेस शेयर था वो था टू थाउजेंड फोर एंड फाइव नाउ सपोज वी अ डेटा अवेलेबल फॉर टू ईर्स टू थाउजेंड एटीन एंड टू थाउजेंड नाइनटीन यहां पे जो करंट ईयर है लेटेस्ट ईयर है न्यू ईयर है वो है 2019 और यहां पे जो बेस ईयर है दैट इज 2018 ये या आपको याद रखना होगा जो लास्ट ईयर होता है प्रीवियस ईयर होता है वो होता है बेस ईयर और जो लेटेस्ट न्यू ईयर होता है करंट ईयर होता है वो होता है करंट ईयर और इसमें जो हम प्राइस लेते हैं उसको हम कहते हैं बेसर प्राइस या कॉन्स्टेंट प्राइस जो हम करंट ईयर में प्राइस उसको हम कहते हैं करंट प्राइसेस फॉर एग्जांपल जो जीडीपी वैल्यू है 2018 का वो है 1000 करोड़ दिस इज एन हाइपोथेटिकल वैल्यू और ऑर्बिट्रेरी वैल्यू दिस इज नॉट रियल वैल्यू ऑफ एनी इकोनॉमी ये आपको समझने के लिए मैं लेता हूं और जो प्राइस लेवल था 2018 में एटीन में डिनोटेड बाई पी जीरो प्राइस और कॉन्स्टेंट प्राइस वो हम यूजुअली लेते हैं इक्वल टू हंड्रेड ये आपको याद रखना होगा सपोज 2019 में जो जीडीपी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू टू करोड़ और जो प्राइस लेवल है 2019 में जिसका करंट ईयर प्राइस कहते हैं डिनोटेड बाय पी वन सपोज इट इज इक्वल टू टू हंड्रेड रुपीज अब फ्रॉम दिस डेटा वी हैव टू कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर इसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह होगा पहले हम प्राइस इंडेक्स निकालेंगे प्राइस इंडेक्स जो मैंने आपको पहले पता है इट इज द रेशो ऑफ करंट ईयर प्राइस डिड बाई बेसर प्राइस और कॉन्स्टेंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इट इज इक्वल टू करंट ईयर जो यहाँ पेट टू थाउजेंड नाइनटीन इसमें जो प्राइस लेवल है दैट इज इक्वल बाई बेसर प्राइस टू हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रड इट विल बीवल टू this and this will cancel out it will be equal to 200 now we will calculate real gdp real gross domestic product which is equal to nominal gdp that is gdp at constant sorry gdp at current current prices Value of GDP at current prices, also known as nominal GDP, multiplied by one hundred divided by price index. Real GDP will be equal to nominal GDP. That is. वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइस हमारा जो करंट ईयर है दैट इज 2019 इसमें जो जीडीपी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2000 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय हमारा जो प्राइस इंडेक्स का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 200 रियल जीडीपी विल बी इक्वल टू This and this will cancel out. It will be equal to 1 divided by 2. It will be equal to 0 0.5. It will be equal to 2000 crore multiplied by 1 divided by 2. It will be equal to 0 0.5 rupees. It will be equal to. वन थाउजेंड करोड़ रियल जीडीपी जो है जो थाउजेंड करोड़ के बराबर है और जो जीडीपी वैल्यू था टू थाउजेंड एटीन में वो भी वन थाउजेंड करोड़ था रियल जीडीपी भी वन थाउजेंड करोड़ है इसका मतलब यह है कि रियल आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ है टू थाउजेंड नाइनटीन में जो ये हाई वैल्यू ऑफ gdp that is equal to 2,000 crore, it is because of increase in price from 100 to 100 because there is the price have doubled. that is why gdp you have increased to 2,000 crore. it have also doubled from 1,000 crore to 2,000 crore. there is no increase in real output. production of goods and service have not increased. this इंक्रीज इन जी डी पी इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इसका मतलब रियल जी डी पी इंक्रीज नहीं हुआ रियल आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ इसका जो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है वैल्यू ऑफ जी डी पीट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे जो हमने प्राइस इफेक्ट कंसिडर किया है उससे ये मालूम हुआ कि रियल आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ है Now, second one is nominal GDP. Nominal GDP, which is equal to real GDP, that is value of GDP at constant prices, real GDP multiplied by price index divided by hundred nominal GDP. ल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू रियल जी डी पी दैट इज वैल्यू ऑफ जी डी पी एट कॉन्स्टेंट प्राइस यहां पर जो रियल जी डी पी का वैल्यू निकला है दैट इज इक्वल टू वन थाउजेंड करोड़ मल्टीप्लाइड बाई price index Marajal, value of price index count that's equal to 200 rupees divided by 100 this and this will cancel out nominal gdp nominal gross domestic product it will be equal to 1000 crore divided, multiplied by 2 it will be equal to 2000 crore this is the value of nominal gdp that is वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइस करंट ईयर इज टू थाउजेंडीन वैल्यू ऑफ जी डी पी इज टू थाउजेंड करोडो रोन एज नॉमिनल जी डी पी हेर वीव ऑल्सो गॉट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जी डी पी इक्वल टू टू थाउजेंट करोड़ इसमें हम प्राइस इफेक्ट कंसिडर नहीं करते हैं ना वन मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इज जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर इसमें हम डिफ्लेट करते हैं प्राइस इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ जीडीपी एंड दिस जीडीपी डिफ्लेटर इट शोज यह में दिखाता है चेंज इन जीडीपी चेंज इन वैल्यू ऑफ जी डी पी ड्यू टू चेंज इन प्राइस जी डी पी चेंज होगा वैल्यू ऑफ जी डी पी चेंज होगा या तो लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज होगा उससे जो वैल्यू उससे जो वैल्यू ऑफ जी डी पी होगा वो भी इंक्रीज होगा या तो वैल्यू ऑफ जी डी पी इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस डिक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस जैसे कि आपने यहां पे दिखाया हैव ड्यू टू चेंज इन प्राइस कितना चेंज हुआ है वो हमें मालूम होता है जीडीपी डिफ्लेटर से इसका जो फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का जीडीपी डिफ्लेटर इट इज इक्वल टू नोमिनल जीडीपी डी डिवाइड बाय रियल जीडीपी नॉमिनल जी डी पी डिवाइड बाई रियल जी डी पी मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड जी डी पी डिफिटर विल बी इक्वल टू इन दिस एग्जाम्पल इट विल बी इक्वल टू नॉमिनल जी डी पी विच इज इक्वल टू टू थाउजेंड करोड़ डिवाइड बाय रियल जी डी पी का जो वैल्यू निकला है दैट इज इक्वल टू वन थाउजेंड करोड़ मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड This and this will be cancel out, it will be equal to 2000 crore divided by 10, it will be equal to 200 crore. This is the value of GDP deflator, which show change in GDP due to change in price, and this is. Equal to nominal GDP divided by real GDP divided multiplied by 100. This was all about nominal GDP, real GDP, and GDP deflator. I hope you have got this. Thanks.